बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आई नो आजकल सिचुएशन ऐसी है, कुछ भी करने को, कुछ भी मतलब बनाने को दिल नहीं चाहता। बट ये है कि मैंने बहुत ही इजी से स्नैक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैक्रोनी विद स्वीट कॉर्नस एंड चीज़। बच्चे जाहिर है बोर हैं, फेडअप हैं, जितने भी मुल्क के हालात सीरियस हो जाएं, बच्चे इस सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अपनी तरफ से जाहिर है पेरेंट्स उनको समझाते हैं, बट ये है कि उनको खुश करने के लिए स्नैक्स बनाएं, डिफरेंट डिफरेंट उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। यहाँ पर पानी बॉयल हो चुका था और मैंने उसमें डाल दिया था 1.5 टीस्पून के करीब नमक, इसमें 1 टीस्पून ऑयल और मैक्रोनी का एक पैकेट डाल दिया था जो कि 400 ग्राम था। और उसके बाद फिर पानी में डालने के बाद मिक्स ज़रूर कर लीजिएगा ताकि बर्तन के साथ ना चिपके। यहाँ पर अब डन हो चुके थे, बॉयल हो चुके थे, फिर इनको मैं ठंडे पानी से वॉश कर रही थी और फिर इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून ऑयल और मिक्स करके अच्छी तरह रख लूँगी, क्योंकि अभी मैंने इसके साथ रेड सॉस जो है वो बनानी है। वो ज़रूर देखिएगा और बहुत मज़े का इसका एक न्यू फ्लेवर आता है। मैंने भी आज डिफरेंट तरीके से बनाई थी तो बच्चों ने बहुत इसको एंजॉय किया। और ये है कि अगर आपके जो टमाटर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो फिर तो आप 4 इनफ हो जाएंगे। जस्ट 3-4 मिनट के लिए आपने गर्म पानी में टमाटरों को रखना है, उसके बाद बहुत आराम से इनका जो छिलका है वो उतर जाएगा। तो उसके बाद आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर दीजिएगा अच्छे तरीके से और पेस्ट बन जाएगा। और कीमे की रेसिपी मैंने यहाँ पे शेयर नहीं की क्योंकि मैं बहुत सारी दफ़ा कीमे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप कीमे की रेसिपी जाके देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, अब कीमे को भी भून लेंगे हम एक तरफ, और एक तरफ ये रेड सॉस भी हम रेडी कर लेंगे जो हमने मतलब के टमाटरों को ब्लेंड कर दिया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर का जो फ्रेश गार्लिक होता है ना, उससे टेस्ट ज़रा डिफरेंट होता है। और इसमें अब चला गया 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून भर के पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है चिली सॉस। साथ साथ मसाला देखिएगा कि लगे ना, क्योंकि ये फ़ौरन लगना शुरू हो जाता है। और इसमें अब जा रहा है 1.5 टेबल स्पून के करीब सिरका और 1.5 टेबल स्पून ही इसमें डाल दें सोया सॉस। इसमें आपने नमक डालते वक्त ख्याल करना है और 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया था चीनी को। और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और इसको मतलब के कुछ देर के लिए पका लेना है। जब आपका सॉस अच्छी तरीके से पक जाएगा, ऑयल आपका सरफेस पे आ जाएगा, तो आपका जो सॉस है वो डन है। टोमेटो केचप डाल दें, वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप में डालनी है तो डाल दें। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब टोमेटो सॉस डाल दी थी। और अब देख लें कि यहाँ पे हमारा जो मसाला था वो रेडी हो चुका था। और इसमें आपने चम्मच हिलाते रहना है क्योंकि बहुत जल्दी लग जाता है। और अब कीमे को भी मैंने भून लिया था एक तरफ और उसको भी अब मैंने कर दिया मिक्स। अब बहुत यम्मी बनते हैं टोमेटो पेस्ट के अंदर जो ये टोमेटो सॉस के अंदर जो ये रेडी होता है ना मैक्रोनी का जो सारा बहुत मज़े का बनता है, ट्राई कीजिएगा। और ये कॉर्नस हैं, स्वीट कॉर्नस हैं, ये टिन में जो होते हैं उनको मैंने वॉश कर लिया था और फिर इनके अंदर डाल दिया था। बस हमने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए मतलब कि फ्राई करना है, उसके बाद फिर हम डाल देंगे मैक्रोनीज जो हमने बॉईल करके ऑलरेडी रखी हुई थी और इसको कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स के तमाम जो मतलब के मटेरियल है वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। और ये देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मिक्सअप हो चुके थे और कितना खूबसूरत कलर आ गया है मैक्रोनीज का। और अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया मोज़रेला चीज़, इसको स्ट्रिप्स में काट काट के मैंने ऊपर रख दिया था और उसके बाद मैंने माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए टाइम दे दिया था या जब तक आपका चीज़ मेल्ट नहीं होता।
आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी, बहुत ही मज़ेदार से ही स्नैक तैयार हो जाता है और आपके बच्चों को बहुत मज़े का और बहुत पसंद आने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी, रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।